Okay, how do you like here? It's great. It's kind of hot, but it's Okay. not bad. And But the scenery is great. yeah, and क्या हाल है भाई? राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरी जर्नी की एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम जा रहे हैं घूमने थोड़ा बाहर। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लेके जा रही है, उसी के साथ सब लोग जा रहे हैं। और तो सुबह जल्दी का उठा हुआ हूँ, 6 बजे का। बिल्कुल अंधेरा होता है 6 बजे उस टाइम। यहाँ अपना सैंडविच वगैरह बनाए, थोड़े से पैक करे खाने ले जाने के लिए वहाँ पे। तो जिस जगह भाई मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है क्रेटर्स ऑफ द मून। और इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि क्यों इसका नाम क्रेटर्स ऑफ मून पड़ा, कैसे पड़ा। तो ये मेरे साइड में मेरा दोस्त अथर्व, तो इसी के साथ जा रहे हैं। और भी लोग मिलेंगे वहीं अपना जहाँ पे हर बार मिलते हैं, स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग पे ही। पानी की बोतल दो दो ली है मैंने भाई, वैसे ही यहाँ प्यास बंद नहीं होती। वहाँ पे ऊपर ऊपर चढ़ेंगे तो डिहाइड्रेट वगैरह तो होंगे भाई, वहाँ पानी वानी पीने के लिए मिलेगा नहीं। पहले ही मैंने जमा के दो दो बोतल रख ली। स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग यहीं पर सब वेट कर रहे हैं, जा के देखते हैं कितने लोग आए हैं। वैसे भाई फाइनली गाड़ी में बैठे हैं, व्यू देखो बाहर का सड़क। तो भाई अभी पता है यहाँ पे क्या पता चला है कि मतलब जो ये पहाड़ है यहाँ पे, जितने भी है पहाड़ है, ये खुला एरिया है। यहाँ पे आप कहीं भी ऐसे किसी के यहाँ भी जाके चढ़ नहीं सकते। जैसे मैं पूछ रहा था कि जैसे कोई पहाड़ दिख रहे हैं तो मैं उन पर चढ़ सकता क्या, हो गया ऐसे ही जाके कहीं भी रुक के, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये सब किसी ने खरीदे हुए हैं, प्राइवेट लैंड है यहाँ पे ये सब, तो हम ऐसे भी कहीं नहीं जा सकते। और ये केस कर देंगे अगर हम ऐसे ही किसी के यहाँ भी चले गए भाई, मतलब देख के जाना पड़ेगा पहाड़ अगर चढ़ना है, जहाँ पे सब लोग जो पब्लिक है जहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा सीन है भाई। पहाड़ लेकिन चारों तरफ पहाड़ है, और भाई कौन खरीदता है भाई, पहाड़ के पहाड़ खरीदे हुए हैं अमीर लोगों ने भाई। अभी रास्ते में जा ही रहे थे हम, लगभग 2 घंटे हुए होंगे। तो चलते चलते अभी यहाँ पेट्रोल पंप पर रुके हैं, थोड़ा पानी वानी लेंगे, टॉयलेट वॉयलेट वॉशरूम वगैरह जाएंगे, उसके बाद फिर चलना शुरू करेंगे। ये अभी कोई स्मॉल टाउन है यहाँ पे, कोई रास्ते में दिखाता हूँ अभी, बहुत छोटा सा टाउन है मतलब। यहाँ पे भी लेकिन घर वर प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया सारी चीज़। ये यहाँ से साइड में से रेलवे लाइन जा रही है, ये देखो ये जेट स्की वगैरह। आसपास यहाँ पे रिवर है और थोड़ी झील वगैरह है। भाई ये रोक दिख रही है, ये सब लावा की रॉक्स है। और इसमें ये यहाँ पे कुछ कुछ बहुत बहुत ज़्यादा साल पुरानी है, ये लिखा भी है कि कौन से टाइप की रॉक्स है, कौन सा क्या है। और जो ये मैप बना है यहाँ पूरा इस एरिया का, तो इस एरिया में क्या है, उधर सर्कल हो रखे हैं, उधर कुछ कुछ जगह जैसे 4 मिलियन भी लिखा है, हो सकता है पता नहीं क्या लिखा होगा। सो इस मैप पे लिखा है कि 4 मिलियन ईयर्स एगो, 6 मिलियन ईयर्स एगो, तो हो सकता है इतने मिलियन से गो यहाँ पे कोई वोल्केनो वगैरह हो, उसका अब तक जो लावा है वो रॉक्स में कन्वर्ट हुआ कुछ होगा ऐसा चीज़। यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी है। तो भाई फाइनली हम आ गए थे यहाँ क्रेटर्स ऑफ मून के, यहाँ पे एक स्पॉट है रुकने के लिए जहाँ पे अभी लंच वगैरह करेंगे। हम चले थे 9 बजे से, 8:45 के आसपास चले थे, और 3 घंटे लग गए, 12 बजे के आसपास हम यहाँ आए हैं। अभी दिखाता हूँ, मतलब अभी जाना है थोड़ी देर में, खा पी के जाएंगे। वो उधर सब जगह जितना भी है सब यहाँ पे नीचे वोल्केनो का जो लावा था वो सब पड़ा है भाई यहाँ, और बड़े बड़े छोटे छोटे से रॉक बने पड़े हैं इनके लावा से। और यहाँ पर पेड़ वगैरह भी ऐसे हैं बिल्कुल भूतिया से, कुछ तो डरावने से पेड़ है हालांकि यहाँ, मतलब काफ़ी सारे हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे।
या उसमें कोई सीन में मूवी में दिखाते हैं ना वो बिल्कुल एकदम जिसमें पत्ते वत्ते नहीं होते और उल्टी सीधी शेप होती है, कुछ कुछ वैसे भी है। आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं इनमें भी मतलब हमारे ग्रुप के लोग हैं, सब इन्हीं के साथ हैं। वो देखो वहाँ तक ऊपर लोग जाने लग रहे हैं, ये सब पूरा लावा का बना है। फाइनली ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। आ रहे हैं चढ़ते लगवा, आ गए इसकी टॉप पे तो। और यहाँ से देखते हैं, पता नहीं लावे वाला पत्थर लेके जाऊँगा घर पे। बहुत एकदम अजीब सा पत्थर है लावा का, वो बहुत पैटर्न उल्टे सीधे उस पर एकदम काला चमक मारती है धूप में, ऐसा पहले नहीं देखा भाई मैंने ऐसे पत्थर। जैसे होते नहीं नग वगैरह होते हैं अपने उधर, थोड़ा उस टाइप का है ये। देख पेड़ कैसा है यहाँ पे, डरावना सा भूतिया सा पेड़ है जिसमें रात को लाइट लगते ही उल्टी सीधी चीज़ें होती है, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ऐसे ऐसे पेड़। भाई ऐसी जगह तो जाने को मिल जाए ना और भी जाता रहूँगा, एकदम जन्नत लग रही है। दूर दूर से हवा लग रही है, ठंडी ठंडी धूप है, गर्मी नहीं लग रही और एकदम से बड़ी हुआ, बहुत धूप टाइट है लेकिन गर्मी नहीं लग रही भाई। सामने जहाँ तक भी देख रहा हूँ भाई खाली ज़मीन, दूर भी एक बहुत पहाड़ दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इधर भी दूर दूर तक जहाँ भी देखो फूल भी हैं। यहाँ भाई दिखाता हूँ, ये कुछ पीले फूल हैं जैसे अपने सरसों के होते हैं, सरसों के जैसे तो नहीं है पर कुछ कुछ वैसे से ही हैं। ये पत्थर ऐसे कुछ पत्थर हैं यहाँ से, ये मतलब पता नहीं तुम्हें दिखने की नहीं लेकिन चमक मार रही है देखो इनमें गोल्डन गोल्डन सी। और इनका जो वेट है ना भाई बहुत हल्का है, मतलब इतना बड़ा है ये, कुछ वेट है ही नहीं ना के बराबर वेट है, बहुत हल्का पन्ना बहुत है ये, छोटे छोटे कॉर्नर जो हैं ये वाले कॉर्नर पहने हैं वो। जो व्यू यहाँ का है ना, यहाँ पे जैसे पत्थर हैं पहाड़ हैं छोटे छोटे, तो चांद पे भी मून पे ऐसे ही होते होंगे कुछ, तो इसीलिए यहाँ का नाम क्रेटर्स ऑफ मून रखा गया है। छोटे छोटे ऐसे अजीबोगरीब से वहाँ भी पत्थर होते होंगे, छोटे 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 टिल्ले पहाड़ होते होंगे, छोटे छोटे कुछ होता होगा वहाँ, तो यहाँ पे सेम थोड़ा थोड़ा वैसा ही है थोड़ा थोड़ा कुछ भाई। यही वो जगह है, ये देख सकते हो जैसे ये छोटे छोटे मतलब गड्ढे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये इधर सामने थोड़ा बड़ा गड्ढा है और सारे पत्थर एकदम लूज लूज पत्थर है सारे। ये देख ये सब लावा था यहाँ पे, देख कैसे पैटर्न्स है ये पत्थर, स्पंज जैसे पत्थर है भाई। अपने इंडिया में तो मैंने होगी शायद कोई जगह, मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा तो देखा नहीं, वोल्केनो वाली है। सांस चढ़ गया, इतनी चढ़ाई काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी दिनों से, वैसे भी कहीं कोई ट्रैक वगैरह पर गया नहीं था, उसके बाद यहाँ चढ़ रहा हूँ, सांसें फूल रही है। अभी दिखाता हूँ बहुत बढ़िया चीज़, ये देख भाई एक कैसी पहाड़ी सी बनी है छोटी सी, ये सब लावा है। यहाँ छोटी सी केव है और ये वो जगह है जहाँ अंदर से लावा आता है। केव कैरी, हाउ डू यू लाइक हियर? इट्स ग्रेट, इट्स काइंड ऑफ हॉट बट इट्स नॉट बैड। हां बट द सीनरी इज ग्रेट। या एंड व्हाट अबाउट द विंड हियर? द व्हाट विंड? The wind is cold. Currently, there's no wind. Yeah, currently but, right but here. But we were on the mountain, and there was lots of wind. Yeah. It was a good temperature. Yeah. Yes. What? Anything else? Yes. This looks so comfortable, like you could sleep on it. But no, you cannot. Yeah. It's a little hard. Yeah. It's and it's sharp too. Yeah. Mm-hmm. Yeah. There's stuff growing on it. There's trees that grow in it. Yeah.
some weeds. you smoke weed? Oh no. Weeds. Plants. Oh, okay. Not the one. Oh, not the one. No, weeds. No. Unwanted plants. Okay. Yeah, unwanted plants. Yeah, okay. The ones you pull out. I was thinking about weed. Not here. Yeah. Yeah, it's cool. तो यहाँ पे घूमने के बाद अब भाई हम आगे कहीं जा रहे हैं, थोड़ी दूर, पता नहीं कहीं और भी जाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर कहीं और जाएंगे। पूरा दिन ऐसे ही घूमेंगे आज, देखते रहो। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि एक ही जगह पे बहुत सारे स्पॉट है घूमने के लिए। तो अभी हम दो स्पॉट पे जा चुके हैं। एक तो जो था वो पहला स्पॉट था जहाँ पे वो पहाड़ था, पूरा का पूरा वोल्केनो था वो। और दूसरा ये स्पॉट है, ये भी वोल्केनो ही थे यहाँ पे, लेकिन ये अभी भी थोड़े, मतलब क्या है, इनका जो गड्ढे वगैरह हैं वो दिख रहे हैं अभी भी जो, और उसमें पत्थर वत्थर पड़े हैं सारे। उनकी जो उनसे जो केव बनी है, वो छोटी छोटी सी केव बोलते हैं उनसे, यहाँ पे वो बनी हुई है और उसमें बेड्स वगैरह रहते हैं। और भाई पता, मजे की तो बात यह है कि जैसे ट्रैक के लिए इन लोगों ने यहाँ पे अलग से पूरा पाथ बना रखा है जिस पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। अपने उधर तो क्या होता है, ऐसे नॉर्मली कोई भी खाली पीली जगह होती है उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़े से रास्ते में इन्होंने प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए वो बनाया हुआ है थोड़ा रास्ता, और चलते रहो उस पर। अब शुरू होगी थोड़ी रफ टफ सी, क्योंकि अब प्लेन आ गया और यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे, तो यहाँ पे अभी ये शुरू हो गया बिल्कुल। ये जो है ये बहुत बजरी वाली जो है ना ज़मीन, वो है बिल्कुल फिसलने वाली, पैर फिसल जाए इस पर से आसानी से। ऐसा तो अभी चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गए थे काफ़ी, हम काफ़ी देर से ऊपर चढ़ने लग रहे थे भाई। अभी भी बहुत बचा है ऊपर जाने के लिए, घूम घूम के जा रहे हैं। और व्यू तो भाई पूछो ही मत, मैं दिखाऊंगा तुम्हें भी। व्यू तो ऐसा है ना, जन्नत जैसा ही। देखी तो नहीं मैंने जन्नत, ना मैं देखना चाहता भाई जन्नत, मतलब यहीं रह गए, देख लेंगे यही पहाड़ और नेचुरल सी जन्नत देख लेंगे, उसी में खुश हो जाऊंगा भाई मैं तो। देखो जो मैं पेड़ की बात कर रहा था, थोड़े भूतिया से जंगली से पेड़, और ये व्यू भाई दूर दूर तक। Hi Jillian. Are you having fun? Yeah. Good. तो यहाँ पे जो गुफाएं में क्या है ना भाई कि अंदर से ये अभी भी गर्म हो सकती है बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से पता नहीं कितना यहाँ कोई आता जाता है नहीं। तो जो गाइड है उसने बताया कि ये अंदर से जो है वो अभी बहुत गर्म हो सकती है, और ऊपर से जमी हुई है क्योंकि बाहर ठंड वगैरह होती है और सब कुछ होता है, और गर्मी होती है तो ऊपर से जमी हुई है। Yeah, it would be a romantic moment. Either that or miserable. It's not gonna be miserable. So, ये यहाँ पे मैं इधर पा गया था कॉर्नर में। ये जो पत्थर है यार, ये बिल्कुल लूज है, ऐसे ही मैं नीचे जाना नहीं चाहता। ये देख सकते हो यहाँ पे। और फिर ऐसी जगह है, यहाँ सांप वाप भी हो, यहाँ अमेरिका में सांप भी खतरनाक खतरनाक होते हैं, रेटल स्नेक वगैरह यहाँ पे मिलते हैं बहुत। अभी पता नहीं हम लोग आगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, अभी जहाँ भी जाएँ मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो चलो आगे चलते हैं भाई फिर। तो भाई मैं बता रहा था कि अभी तो क्या है कि क्वालिटी हो सके थोड़ी नहीं बढ़िया दिखे, वैसे तो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ जितनी बढ़िया हो सके, थोड़ी बहुत एडिटिंग तो इम्प्रूव कर देता हूँ। लेकिन अभी एक फ़ोन ऑर्डर कराया मैंने अपने लिए, थोड़े बहुत दिन में 20 दिन में आ जाएगा लगभग कोई, तो उसके बाद क्वालिटी थोड़ी सी और बढ़िया हो जाएगी मेरी ब्लॉग्स की, उसके बाद देखने में भी तुम्हें और लोगों को मज़ा आएगा। धीरे धीरे करके सारा पूरा सेटअप करूँगा, अभी मैं दिखाता हूँ मैं जिस उसकी फुट उसकी जो। तो भाई फाइनली मैं पहुँच गया उस जगह जहाँ पे मैं अब तक कह रहा था कि मैं गुफा केव है केव में जाऊँगा,
तो यहाँ है वो जगह जहाँ पे केव है, बहुत सारी बेड्स है, वहाँ पे भी थी लेकिन ये उससे बहुत बढ़िया है और उससे बहुत बढ़िया है और उससे नेक्स्ट लेवल की है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भाई एक केव है जिसमें अंदर जा सकते हैं। अभी अंदर जाऊँगा, दिखाऊँगा भाई अंदर से। वैसे तो अंधेरा होगा जहाँ तक है लेकिन कोशिश करूँगा अच्छे से दिख जाए तुम लोगों को भी। भाई ये जो सब लूज पत्थर, यहाँ पे तो ठंडा, यहाँ पे बहुत ठंडा है। इट्स कोल्ड हियर। ये उसमें अंदर और भी जाने की उधर जगह है। भाई ये दिखेगी नहीं यहाँ पे, इतना अंधेरा है, फ्लैश लाइट काम ही नहीं कर रही। छोटी सी लग रही है लेकिन वो देख ऊपर लोग बैठे हैं, कितने कितनी दूर है। बड़ी भी है कि अभी बड़ी में जाएंगे तो वो दिखाऊंगा और अच्छे से। कैरी ट्राइंग टू गो डाउन, डोंट वरी यू विल नॉट डाई, एट लीस्ट नॉट हियर, not now, yet. Yeah. There's nothing this way. तो फाइनली मैं जिस टनल की शुरुआत से बात कर रहा हूँ मैं आ गया था वहाँ। और भाई मज़ेदार बात देखो, इस टनल का नाम क्या है, ये देखो भाई इस टनल का नाम इंडियन टनल। इसे देखने के लिए मैं सुबह से भटक रहा हूँ। यहाँ पे जाने के लिए नीचे सीढ़ियाँ बनाई हुई है और ये देख भाई ये बहुत बड़ी है भाई। उधर भी केव देखो तुम, कितनी शानदार है, एकदम डरावनी सी। चमगादड़ वमगादड़ उड़ रहे हैं यहाँ पे। ये इधर अंदर है यहाँ पे। और ब्रो हाउ आर यू? गुड भाई। पहाड़ वहाड़ की ट्रैकिंग तो हुई नहीं, केव में ट्रैकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देख सब इन पे चल चल के आ रहे हैं भाई, लोग थक गए हैं चल चल के। अश्मिता यू गॉट टायर्ड? नो। हाँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा नो। स्टोनिंग? स्टोन थ्रोइंग। यू नॉट पुटिंग ऑल ऑफ दिस ओके इन द वीडियो? या आई रिकॉर्डेड ऑल ऑफ दिस। ना ना ना, इतनी देर से चले जा रहे हैं, फाइनली भाई आखिरकार आ ही गया। बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ कैसे है। उसे आए हम पूरे घूमते हुए भाई, ये देखिए छोटा सा एक बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से। भाई ये यहाँ से जाने का सीक्रेट रास्ता ऊपर। ओ भाई इधर भी पता नहीं, इधर सामने कुछ है कहीं जा सकता है, छोटा सा बहुत ही रास्ता। लेट्स गो गाइस, क्लाइंब अप। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। फाइनली पहुँच गए हैं ऊपर। ये यहाँ से अंतिम रास्ता। सॉरी तो भाई फाइनली बाहर आ गए हैं केव से, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे चल के देखते हैं कहीं और जाते हैं तो बताता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली भाई नीचे पहुँच गए थे, गाड़ी में बैठेंगे अभी और फिर आगे जाएंगे कहीं, देखेंगे कहाँ जाना है अभी। अभी तो वैसे घर जाएंगे मोस्टली तो सब, लेकिन सब भी वगैरह खाना वाना खा के उसके बाद आगे निकलेंगे सब भाई। आखिरकार पूरा दिन चढ़ने के बाद, पूरा दिन चलने के बाद गाड़ी में सफ़र शुरू में चला तो यहाँ से निकल गए भाई हम चाँद में। हाँ हम चाँद, मैं चाँद पे सुबह से था भाई, एकदम बता नहीं सकता मैं फीलिंग, मतलब इतना सुंदर था, इतना बढ़िया, एकदम एकदम कुछ यूनिक सा था, बिल्कुल हटके एकदम मज़ा आया भाई। चलते चलते बहुत टाइम हो गया वहाँ से निकले हुए, अभी यहाँ पे सबवे पे रुके हैं, यहाँ थोड़ा बहुत खाएँगे कुछ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर चलेंगे। मतलब ट्रिप तो भाई एकदम मज़ेदार थी, जहाँ जो जगह गए थे
बस थोड़ी दूर थी, ज़्यादा तो थक गए, अभी खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। फाइनली भाई पूरा दिन घूम के इधर उधर देख के मुझे लेके मैं अपने रूम पे आ ही गया, और अब बुरे वाले थक गए भाई आज तो सही में, आँखों में नींद भर रही है मेरे। सुबह जल्दी उठा था 6 बजे, खाना वाना बनाया था अपना, लंच वंच बना के तैयार करके सब कुछ लेके गया था, और अब आया हूँ भाई। रात के 9 बज गए, सुबह 6 बजे का मैं उठा था, और फिर सारा ऊपर चढ़ना उतरना, थोड़ा रेस्ट भी नहीं इतना ज़्यादा कुछ किया। अब भाई हकीकत में तो ऐसी जगह कहीं जा नहीं सकते, चांद वान पे, मून पे, तो ऐसी जगह जाके जहाँ यहीं पर धरती पर जो एग्जिस्ट करे वहीं जाके भाई देख ले, उन्हीं में खुश हो जाए। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबा दियो। फिर मिलेंगे जल्दी अगले व्लॉग में।